आदि वाल्मीकि नमो नमः, आदि वाल्मीकि नमो नमः, आदि वाल्मीकि नमो नमः, आदि वाल्मीकि नमः। आ धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आज हम पावन प्रकट दिवस भी और प्रकट होने का इस विषय पे बात करने आए हैं। हालांकि मुझे गुस्ताखी होगी कि मैं कहूं कि मैं परमेश्वर के प्रकट होने की पूरी व्याख्या, उसको पूरी तरह से डिफाइन कर सकता हूं, क्योंकि उसके अपने रहस्य हैं, जो जान पाते हैं वो भी कह नहीं पाते उस परम आनंद को, उस चरम सीमा को, जो खुशी की चरम सीमा है, उसको छूते हैं, अनुभव में भी लेते हैं, मगर कह नहीं पाते। कहना मुश्किल है, और इसीलिए महाराजा बलि महामुनि शुक्राचार्य से सवाल करते हैं। मां शबरी ने महामुनि मतंग से सवाल किया कि परमेश्वर बहुत कम लोगों को ही क्यों अपने दीदार देते हैं? क्या उनकी अमृत वर्षा इन बादलों की तरह, आकाश पे छाए हुए मेघ की तरह सारे संसार पे बराबर नहीं बरस सकती? तो महामुनि शुक्राचार्य ने कहा था कि नहीं, बहुत कम लोग नहीं हैं जिनको परमेश्वर अपनी अमृत वर्षा से अभिभूत करते हैं, जिन पे कृपा करते हैं। महामुनि मतंग ने भी यही कहा कि इतिहास में बहुत कम लोगों को जगह मिलती है, मगर बहुत उनसे कई गुना ज्यादा लोग हैं जो उस परमेश्वर को उसके दीदार करते ही, मगर उसके रहस्य को कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल स्वप्न की तरह कि जैसे आंख खुलते ही कुछ एक पलों में उठते उठते, कभी कमर सीधी करते, कभी पांव जमीन पे लगाते लगाते स्वप्न हट जाता है याद से। जोर लगाते हैं तो बहुत कुछ याद आता है, एकदम हट जाता है। ये भी रहस्य है उस परमेश्वर का कि वो भी जो उसको पाता है, मूसा के बारे में कहा गया कि जब परमेश्वर को पहली बार देखा, दीदार किए, तो मूसा बेहोश हो गए। नहीं, बेहोश नहीं होता आदमी, और उसका इतना करीब भी जिसको परमेश्वर अपने दर्शन देने आए हों, और वो परमेश्वर की हाजिरी में बेहोश हो जाए, ये तो सवाल ही अपने आप में एक दूसरे को काटता है ना। वो परम आनंद था जिसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, जिसके लिए हम कहते हैं बार बार किला लिखारी याद की आवश्यकता है तो
अभी तक तेरी वाणी को समझा नहीं। हमारे हृदय से निकलता है रोज कि गा गति हो वेग से अति लगे ना देर, दर्शन पाऊं तेरा मैं हो जीवन की सवेर। हमारा हर कदम परमेश्वर की तरफ है। नदी के पानी को लोग कहते हैं, पानी को ही कहते हैं कि पानी नीचे की तरफ जाता है। ये हमारी सोच है, ये आदमी की मानव की छोटी बुद्धि का निकाला हुआ निष्कर्ष है। पानी नीचे की तरफ कब जाता है? धरती तो गोल है और समुंदर यहां भी है, तो ये गिर क्यों नहीं जाता? अगर नीचे को ही जाना तो गिर जाना चाहिए। जो दक्षिण की तरफ है उसे गिर जाना चाहिए, उत्तर वाली नदियां सारी बह के दक्षिण में आ जानी चाहिए। ऊपर सूखा हो जाता अभी तक। नॉर्थ की जो नदियां हैं वो साउथ में चली जानी चाहिए थी सारी, और साउथ पानी ही पानी होना चाहिए था, ऊपर साइबेरिया होता ही नहीं। वो जो ग्रीनलैंड है, समुंदर बर्फ जमा हुआ, वो होता ही नहीं। पानी नीचे की तरफ नहीं जाता, कोई नदी नीचे की तरफ नहीं जा रही, हर नदी सागर की तरफ जा रही है, समुंदर की तरफ। समुंदर उसका ऊपर है, समुंदर उसका नीचे है, जहां है वो उसको खींच रहा है, उसकी दौड़ है कि गति हो वेग से अति लगे ना देर। और वही नदी जब दौड़ती हुई जाके मिलती है, सारी दौड़ खत्म हो जाती है, सागर हो जाती है। ऐसे ये आत्मा, ये रूह जब उस परमात्मा में विलीन होती है, तो फिर हम क्या कह पढ़ते हैं, अक्षय अर्थ अविनाशी तू, तू ही अक्षय समुद्र। अक्षय मीन्स जिसका नाश नहीं, अविनाशी जो हमेशा रहता है। अक्षय अर्थ अविनाशी तू, तू ही अक्षय समुद्र, तू तो जल भंडार है, मैं हूं जल की बूंद। मगर बूंद जब सागर में गिरती तो बूंद नहीं रहती, वो सागर ही हो जाती, विशालता को पा जाती। एक परमेश्वर का प्रकट होना ये है। जब तक हृदय छोटा है, जब तक दिल छोटा है, सोच छोटी है, मैं अहंकार और ईर्ष्या से लिप्त हूं, बुरी तरह से इन विकारों में फंसा हुआ हूं, तो कैसे उस परमेश्वर को? कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, या में दोना समाई, जब मैं या में दोना समाई, जब मैं था हरि नाही, अब हरि मैं नाही। करे जब मैं और मेरा अहंकार दो उस गली से निकलने की कोशिश कर रहे थे जो परमेश्वर के घर को जाती है, तो रास्ता तंग हो गया। और जब मैंने अपनी मैं को निकाला, अपने अहंकार को निकाला, तो रास्ता खुल गया और परमेश्वर के दीदार हो गए। हमारी सोच संकुचित है, हृदय छोटा है, तो परमेश्वर इन लोगों को
दिखाई नहीं दे सकता, प्रकट नहीं हो सकता। योगिमा में आता है कि थाली लेकर हाथ की, बीच में वंदना धूप, प्रसाद तेरा गुण ज्ञान है। अब यहां सोच पे आ रही, अंतिम लाइन सोच पे है, हमारी सोच कितनी विशाल है कि संगत तुमरा रूप। हम पूरी संगत को, पूरी कायनात को, और वो कायनात नहीं जिसमें केवल इंसान शामिल है, पूरी कायनात जिसमें जीव, पशु पक्षी, कीड़ा पतंगा, जो सब शामिल है, जब तक उसका रूप स्वीकार नहीं करते हम उस परमेश्वर के करीब भी नहीं जा सकते। स्वीकार करना पड़ता पूरी कायनात, जो भारद्वाज ने तमसा का तट चुना, क्यों जंगलों को चुना है, क्योंकि जंगल ही संपूर्णता प्रदान करता है। हमारा जो बगीचा होता है, हमारा बगीचा और हमारा टेबल पे सजाए हुए कुछ फूल एक बराबर होते हैं, क्योंकि चुनिंदा होते हैं, जो हमारी आंखों को अच्छे लगे, जो हमें महक दे। मगर उस प्रकृति में तो दूसरे फूल भी हैं, दूसरे पत्ते भी हैं, और आज आदमी ने पाया जिस पत्ते को कहता था कि बेकार सा है, मोटा सा है, कांटे भी हैं कहीं कहीं उसमें, एलोवेरा। आज कह रहा सारा कुछ इसी में, एलोवेरा नहीं हुआ, जैसे वो जीवन हो गया, वो सब जगह है। हृदय बड़ा करना पड़ता है, फिर वो परमेश्वर का प्रकट होना। और दूसरा फिर सवाल इससे जुड़ा कि उस प्रकट होने को हम दूसरों को कहना मुश्किल है कि मैंने परमेश्वर को देखा, किस रूप में देखा। मेरे अपने जीवन के अनुभव है, और मैंने पाया कि परमेश्वर ही था मेरे करीब। कितनी बार, एक बार बस छूट गई, और जो बस छूटी और जिस एक नंबर सीट का मुझे हमेशा लालच होता वहां बैठूं, 19 किलोमीटर पे उसका एक्सीडेंट हुआ और पहली 3 सीटें पूरी पेड़ के साथ दबी हुई थी। ट्रेन छूटी, उसी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, ऐतिहासिक ऐतिहासिक दस्तावेज बता रहा हूं, ऐतिहासिक। हमारे साथी आ रहे थे लखनऊ से, उनकी टिकट कंफर्म नहीं थी, और टीटी ने उनको कहा कि फलां डब्बे में बैठ जाओ, मगर वो उसमें नहीं बैठे, वो वहां चले गए जहां कुछ साथियों की टिकट कंफर्म थी। उन्होंने कहा जब हमारी सीट कंफर्म होगी चले जाएंगे, मगर जिसमें टीटी ने कहा था बैठ जाओ, वो सरहंद के पास आके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वही पूरी बोगी। ये परमेश्वर का, उसकी कृपा नहीं है, और बिल्कुल सीधे सीधे है। फिर क्या जरूरत है कि मेरे पास वो ऐसे साक्षात आए और मेरा अहंकार और बड़ा हो जाए कि मैंने ऐसे साक्षात देखा। वो उसकी कृपा मुझ पे बनी हुई है, इसको ज्यादा बड़ा मानना चाहिए। मैंने अपने जीवन में जब शुरुआत की सामाजिक कार्यों की, धर्म के इन कार्यों की, तो 25 पैसे का इंतजाम करना मुश्किल होता था। 25 पैसे, 25 पैसा, पैसा रुपीज नहीं, पैसा। और किसके लिए, कि साइकिल अगर पंचर हो जाएगी तो उस वक्त 25 पैसे का पंचर लगता था। साइकिल पे कहीं जाना तो 25 पैसे जेब में होने चाहिए, मुश्किल होता था। और आज
आज कोई मुश्किल नहीं होती। मुझे लोग कहते हैं कि आपने कलकत्ता आना है, मुंबई आना है, आपने श्रीनगर आना है, आपने मद्रास आना है, या विदेशों में भी कि आपने दुबई आना है, आपने यूरोप आना है। मेरे सामने पैसे वाला सवाल ही नहीं होता। मेरे सामने सवाल होता है कि जिन दिनों ये बुला रहे वो डेट है, अगर खाली है तो हाँ करें, नहीं है तो ना करें। और ये किसकी कृपा है? ये उस परमपिता परमात्मा की कृपा है। आज सबसे ज्यादा पब्लिकेशन, चाहे आदि नित्यनेम के रूप में हो, चाहे किताबों के रूप में हो, सबसे ज्यादा अभी कल 2 किताबें और रिलीज होंगी तो कुल मिला के 9 किताबें हमारी बन जाएंगी। नित्यनेम अलग 50,000 के करीब नित्यनेम छपता है जब ऑर्डर जाता है एक बार। ये कृपा है उसकी, परमेश्वर की। और मैं एक बात और मानता हूं, आप लोग भी समझ लीजिए इसे, कि जब पुरुषार्थ करने के बाद, परमेश्वर तो कहते हैं ना, उनका लिखा है जिसको हमने बार बार कहा कि 3 लोकों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो पुरुषार्थ करने के बाद आपको प्राप्त ना हो। मगर परमेश्वर ने यह भी लिखा है, पावन योग शिष्ट में परमेश्वर लिखते हैं, उनका कहना है योग शिष्ट में कि अगर आपकी भावनाएं गलत हैं, आपकी सोच में खोट है, और फिर आप कोई कह रहे कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, वो कह रहे वो पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए समझिए एक और सिद्धांत को कि जब बहुत सारा पुरुषार्थ करने के बाद भी कभी फल प्राप्त ना हो तो इसका मतलब परमेश्वर उसमें सहमत नहीं है। उसका अर्थ है कि हमारी दिशा कहीं गलत है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि द्यावान कहते हैं कि चलने से पहले अपनी दिशा तय करो कि आपने किस दिशा में जाना है, आपकी मंजिल किस दिशा में है। मंजिल इस तरफ हो, मुंह इस तरफ हो, तो कैसे मंजिल मिलेगी? जिस तरफ मंजिल है दिशा भी उधर ही होनी चुननी पड़ेगी। तो प्रकट होना जो है थोड़ा सा सवाल पेचीदा है, परमात्मा के प्रकट होने का क्यों पेचीदा है? असल में ये बात थोड़ी बड़ी है। जहां कबीर कहते ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु के इतिहास को जान लेना तो आसान है, उनकी कहानी है, गुरुओं की कहानियां होंगी, उनका इतिहास होगा, उनकी माँ पिता सब कुछ होगा, उनका एक सामाजिक जीवन, उसको जानना आसान है। ये मुश्किल है क्योंकि हम गुरु नहीं गोविंद की बात कर रहे हैं, हम पैगंबर की नहीं वल्ला की बात कर रहे हैं। प्रकट होना वल्ला का, उस वाहे गुरु का जिसको यहोवा कहा गया, जिसको विश्वेश्वर कहते हैं, जिसको सृष्टि करता हिरण्यगर्भ व्योम कहा गया, हम उसकी बात करते हैं। ये थोड़ा टेढ़ी खीर की तरह, कहानी की तरह है। किसी ने अंधे के कोख से कहा कि खीर खाओगे? उसने पूछा खीर कैसी होती है? अब खाने से पता चलना था। वो कह रहा भी अभी बन रही है। वो कह रहा फिर भी कैसी होती है? कह रहा मीठी होती है। वो कह रहा मीठी कैसी? मैंने केला खाया उसके जैसी होती। कह रहा नहीं, उसके जैसी नहीं होती। अच्छा गुड़ खाया था उसके जैसी नहीं, उसके जैसी भी नहीं। फिर कैसी होती? वाइट वाइट होती है, बिल्कुल सफेद, बगुले की तरह। वो कह रहा बगुला कैसा होता है?
तो आदमी ने अपनी बाजू को ऐसे टेढ़ी करके बगला बना के उसको कहा, ये देख ऐसा होता है बगला। उसने ऐसे हाथ लगा के देखा, बड़ा सख्त, वो कह रहा नहीं भी इतनी टेढ़ी खीर दिखाऊंगा, इतनी टेढ़ी होती है खीर, ये नहीं खाऊंगा, गले में नहीं जाएगी। तो परमेश्वर का प्रकट होने के बाद उसको अभिव्यक्त करना, दूसरे को कहना, वो टेढ़ी खीर की तरह है। क्योंकि आम मैंने खाया, आपने खजूर खाया, तो दोनों के मीठे को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो अनुभव से ही आएगा जब हम चखेंगे। आप आम चखो, मैं खजूर चखूं, तभी पता चलेगा कि दोनों के मीठे में कहां फर्क था, उसको एक जैसा नहीं कह सकते। तो परमेश्वर का जिन जिन लोगों ने प्राप्त किया वो उसके बारे में कह नहीं पाए। हां, जो जरूरी है वो जरूरी परमेश्वर का प्रकट होना नहीं है। फिर दोबारा कह रहा हूं कि हम सबके जीवन में परमेश्वर साक्षात आके खड़े हो जाएं, वो जरूरी नहीं। उसकी अनुकंपा, उसकी कृपा, उसकी दया दृष्टि हम पे बनी रहे, ये जरूरी है। और उसकी दया दृष्टि कैसे बनती है? बिल्कुल जैसे हमारे मां बाप का स्नेह बचपन में तो रहता है, मगर जब हम बड़े होते हैं तो मां बाप का स्नेह इस बात पे निर्भर करता है कि हम उनका हुक्म कितना मानते हैं। अगर वो कहते हैं कि ज्यादा अंधेरे बाहर नहीं रहना, घर जल्दी, काम से सीधे वापस, कॉलेज से सीधे घर आना, अगर हम उनका हुक्म नहीं मान रहे तो मां बाप कैसे खुश होंगे? तो परमेश्वर का जो प्रकट होना वो उसके ज्ञान में है, ज्ञान में ही है, ज्ञान में ही हमारी मुक्ति है, ज्ञान में ही हमारा मोक्ष है, ज्ञान में ही परमेश्वर का प्रकट होना। क्या आता है श्लोक, ध कहे ध्यान के धरने से होता दूर है ताम, हो प्रगट निज ध्यान में नहीं तो दो अलहाम। अलहाम जो उस ईश्वर का है, अलहाम आम भाषा में उसको कहते आकाशवाणी, परमेश्वर का संदेश जो आकाश से कहा गया। हमने तभी तो आसमानी ध्वज चुना, जो आकाश, जहां से परमेश्वर का वो संदेश आता है, जहां से अलहाम आता है। हमारे हाथ जो उस आसमानी बाप की तरफ उठते हैं, उसी को पावन योग सिद्ध में व्योम कहा गया। इसीलिए तो हमने आसमानी ध्वज चुना, वो मेरा और आपका बनाया हुआ नहीं, शांति का प्रतीक है, पूरे विश्व को जिसने अपने चादर में लपेट रखा है, वो उस ब्रदरहुड विश्व बंधुत्व का प्रतीक है। वो आसमानी रंग जो हम सबसे श्रेष्ठ ऊंचा है, वो आकाशों की बात है, आकाश बहुत सारे हैं, वो तो परमेश्वर भी कहते हैं, और उसका रहस्य एकदम नहीं हम जान पाते। हम दोबारा वापस आ रहे हैं कि परमेश्वर मां बाप तब खुश होते हैं जब हम उनके हुक्म में रहे। तो जो अलहाम हम मांग रहे हैं कि हमें या तो ध्यान में प्रकट हो जाओ, ऐसे साक्षात प्रकट हो जाओ, या अलहाम दो, नित्रे में आ रहा है, नहीं तो दो अलहाम अपना संदेश। तो उसका संदेश पावन योग सिस्ट में मौजूद है। पावन योग सिस्ट में उसका संदेश है, हम उस संदेश को मानेंगे तो
परमेश्वर की कृपा ही, परमेश्वर का अनुकंपा ही उसका स्नेह है, और उसका स्नेह ही उसकी उपस्थिति है। जानते हैं, कहते हैं उपवास व्रत जैसे होता है, कहते उपवास, उपवास का मतलब कि उस परमेश्वर के नजदीक बैठना, नजदीक उसको मानना, उसकी हाजिरी को कि मेरे अगल बगल है। जब लोग ऐसी स्थिति में जाते हैं तो उस वल्ला को अपने आसपास पाते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं किसी बुरे काम से बचूं। अपने आप को पाक पवित्र रखने की कोशिश करो। तो परमेश्वर का प्रकट होना उस वक्त भी हुआ जब महाराजा बलि, कौन थे महाराजा बलि? हरणाकश्यप परिवार की वारिस, वो हरणाकश्यप जिन्होंने सोने की लंका बनाई थी, वो हरणाकश्यप जिसके बेटे प्रहलाद को आज की तरह, आज ही की तरह जैसे आज भी हमारे बहुत सारे लोग बरगलाए जाते, भ्रमित हो जाते, किसी ने कुछ चलते चलते कहा तो उसकी बातों में आ जाते, जैसे जानवर, जानवर को समझ नहीं है, आदमी को तो समझ होनी चाहिए। जानवर को कहते हैं कि गाय के बछड़े को आगे आगे लेके चलो, गाय पीछे पीछे आ जाएगी, मगर इंसान की बात थोड़ी ऐसे करेगी। इंसान की बात तो अपने बच्चे को पकड़ लेगी कि मेरा बच्चा कौन लेके जाता, और बच्चा फिर भी गुमराह हो प्रहलाद की तरह, वो उस वक्त भी गुमराह हुआ, विष्णु और उनके गैंग की बातों में आ गया और अपने पिता को मरवा दिया। हमारा पूरा इतिहास ऐसे ही है, पूरा इतिहास महात्मा रावण तक, आर्या राजा जिनको देवी देवता कहते हैं, राजा थे जिनको देवियां कहते हैं, इनकी रानियां थी, जिसको भैरव कहते हैं, बुरा दिखाते हैं वो शंकर है, जिसको वैष्णव दिखाते हैं वो पार्वती है, और जिनका औलाद हुई कार्तिके, और जिन्होंने युद्ध लड़े हमारे खिलाफ, यानी हमारे महाराजा, हमारे महाबलियों को जब भी मारा, घर के किसी भेदी को पहले तैयार किया फिर मारा। और आज भी ऐसा है, आज भी ऐसा है, मगर हमें अपनी बातों से, तर्क से, प्रेम से उन लोगों को वापस लाना। हम दोबारा प्रगट दिवस पे बात करेंगे कि परमात्मा का प्रगट होना एक बार नहीं, वो महाराजा बलि को भी दर्शन देते हैं, ज्ञान देते हैं, वो ब्रह्मा के पोते भारद्वाज को भी ज्ञान देते हैं, उन्होंने महामुनि मतंग को भी ज्ञान दिया साक्षात। और जब कुशलव के हाथों राम हारे मरे और परमेश्वर ने उनको अमृत वर्षा की, तो उसी युद्ध भूमि में फिर राम के चित्त को शांत करने के लिए कहा कि तुम्हारे मन मस्तक में उत्तेजना है, सीता के प्रति द्वेष है, मन शंकालु है, एक अंतर्द्वंद में तुम जल रहे हो। परमेश्वर ने उसी युद्ध भूमि में योग शिष्ट का ज्ञान दिया
हर सवाल का जवाब दिया और राम को शांत किया। उस परमेश्वर को आज कोई और आदमी गाइड करेगा, कोई कहेगा जो उनकी मूर्तियां अपने मंदिरों में नहीं लगाते वो हमें गाइड करेंगे कि परमेश्वर वाल्मीकि जी को कैसे माना जाए, उनका रूप कैसे होना चाहिए। जिन्होंने वाल्मीकि रामायण को मंदिरों से हटा दिया, इस सब्जेक्ट पे फिर बात करूंगा, हम प्रगट दिवस पे रहे। तो पावन वाल्मीकि प्रगट उत्सव, उनका प्रगट होना बार बार है। मां सीता जब प्राण त्यागने जाती है तो परमेश्वर वहां भी प्रगट होते हैं। द्रौपदी को जब जरूरत पड़ती है, वो महाभारत का युद्ध अपने परिवार को खत्म करने के बाद जब अशांत हो जाती है, तब परमेश्वर का एक चरण, एक कदम, उनका एक कदम यज्ञ भूमि में कदम रखने से, यज्ञ में हुती डालने से नहीं, परमेश्वर ने हुती नहीं डाली, यज्ञ नहीं किया। जहां यज्ञ हो रहा था, जब द्रौपदी ने पुकार की और परमेश्वर के एक कदम रखने से शंख बज उठा। शंख क्या होता है? संगीत का एक पार्ट, संगीत का एक स्वर, संगीत का एक हिस्सा, आवाज जो शंख से निकलती है गूंजते हुए पंचम स्वर तक चले जाती है, वो संगीत का हिस्सा है। और संगीत क्या है? जो मन को इतना शांत कर सकता है कि आप समाधि में उतरते हैं संगीत के द्वारा। याद कीजिए, कभी कभी आप किसी गाने में इतने मगन होते हैं कि कोई आवाज देता आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। यानी कि आपको गाना आए ना भी गाना आए, मेरी तरह आप गुनगुना रहे हैं, मगर उसके संगीत और गीत उसमें आप ऐसे उतर जाते हैं कि दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देती। तो शंख का बजना यही था कि वो लहरें, वो शांति की, जिन्होंने द्रौपदी के हृदय को शांत कर दिया। शंख में से वो ध्वनियां उठी जिसने उसको शांति प्रदान की। मगर परमेश्वर फिर कहते हैं कि ज्ञान ही सर्वोत्तम है। हम भी पढ़ते हैं कि सकल जगत के नाथ जी दीजो हमें वरदान, शांति और संतोष दो बख्शो गुड़ ज्ञान। असली चीजें तो ये है, शांति, संतोष और गुड़ ज्ञान। यही परमात्मा का असल में प्रकट होना है। परमात्मा का प्रकट होना साक्षात कोई जरूरी नहीं, और यह भी मैं नहीं कह रहा कि असंभव है, असंभव भी नहीं है, मगर जो इतना उसके ऊपर फोर्स करना कि हम बुद्ध की तरह घर छोड़ दें कि परमात्मा प्रकट हो। भारद्वाज ने परमात्मा प्रकट हो के लिए नहीं घर छोड़ा था, सवालों के लिए। बुद्ध भी सवालों के लिए घर छोड़ के निकलते हैं, मगर जरूरी नहीं। अब तो सारे सवालों के जवाब पावन योग शिष्ट में विद्वान है, मौजूद है। हर किसी का खोजना जरूरी नहीं है, अब मानना जरूरी है। हमें कहता है दुकानदार कि ये बल्ब है, इसकी रोशनी कम होगी, ये उससे बड़ी ट्यूब है, इसकी रोशनी थोड़ी अच्छी ज्यादा होगी। और फिर वो कहता अब नई एलईडी आ गई है, इसको लगाएंगे तो और ज्यादा रोशनी होगी। तो हम उसके कहे को मानते हैं कि इसने कहा है और हम ले आते हैं।
और देखते की रोशनी हो गई है। तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, उसमें भेद है। मैंने कहा पैगंबर और वल्ला का भेद है। पैगंबर हमें मिल सकते हैं, पैगंबरों के दर्शन हो सकते हैं, हमारे बीच में महापुरुष हो सकते हैं, महाविभूतियां हो सकती हैं, महामुनि हो सकते हैं, मगर वो परमेश्वर वाला सवाल उनसे बड़ा है। वो परमेश्वर किसी पैगंबर को ही मिल सकता है। पैगंबर का मतलब ये नहीं कि कोई वेशभूषा में हो खास। पैगंबर का मतलब ये भी नहीं कि जिसको लाखों लोग ही माने। महामुनि महापुरुष होने का अर्थ ये भी नहीं कि पहले आपकी बड़ा सिंहासन, आपकी बड़ी मान्यता हो गई। असल में तो अंदर हृदय से, हृदय आपका साफ हो जाए, मन वचन और कर्म तीनों तरह से आप पाप से मुक्त हो जाए, फिर उस परमेश्वर का प्रकट होना संभव। फिर वो आपको किसी भी रूप में, किसी भी रूप में वो परमेश्वर आपको अपने दीदार दे सकता है, वो प्रकट हो सकता है। एक और तरह से समझते हैं, हमारे माँ बाप दादा दादी जब इस संसार को छोड़ते, जब उस शरीर से रूह निकल जाती है, आत्मा अलग हो जाती है और उस शरीर को, वो शरीर खराब ना हो, वो शरीर बदबू ना मारे, उसको चींटी कीड़ा ना लग जाए, यानी सम्मान पूर्वक उसको आदर देते हुए हम उसको मिट्टी में कभी दफन करते हैं और कभी आग के हवाले करते हैं। कुछ लोग नदी में भी बहाते हैं, कुछ लोग पहाड़ से गिरा भी देते हैं, मगर अपना अपना तरीका है। तरीके में एक बात कॉमन है कि हम उस शरीर को सम्मान देते हैं कि इसका अपमान ना हो। हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे जब वही शरीर दूषित होना शुरू होगा, गलना शुरू होगा। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम उसकी चीजें समेटते हैं। कोई कहता है कि मेरे दादा का चश्मा है, ये ऐनक मेरे दादा लगाया करते थे, मैं ऐसे संभाल कर रखूंगा। कोई कहता है कि ये नितने मेरे दादा पढ़ा करते थे, मैं ऐसे संभाल के रखूंगा इसी कॉपी को। कोई कहता है कि दादा का जूता संभाल के रखूंगा, दादी जिस छड़ी को लेकर चलती थी वो छड़ी संभाल के रखूंगी, उनकी यादों को समेटते हैं उसी में, क्योंकि जिस चीज को रख सकते हैं, शरीर को नहीं रख सकते थे तो दूसरी चीजें चुनते हैं। तो परमेश्वर के बारे में भी यही, उसकी कही शिक्षाओं को अगर अंदर उतार लेंगे, उसकी कही बातों को अगर अंदर उतार लें, जो बातें परमेश्वर ने भारद्वाज से कही, जो बातें सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने महाराजा बलि से कही, अरिष्टनेमी से कही, जनक से कही, मां सीता द्रौपदी और मां शबरी से कही, वो बातें तो विद्यमान है ना पावन योग से। वो बातें अगर अंदर उतार लें, कहते ना हम कभी कभी किसी को, जब वो कोई हमारे सामने बैठ के गाना शुरू करता है तो हम कहते हैं कि बिल्कुल उस्ताद की तरह गा रहा है, तेरे अंदर से
उस तार की झलक आ रही है, परमेश्वर की वाणी को भी अगर हमने अपना लिया, उसे अपने अंतरकरण में उतार लिया, अपने स्वभाव में उतार लिया, अगर केवल याद करना ही कह रहा हूं, रटना नहीं कह रहा हूं, वाणी को कहने में भले चाहे भूल हो जाए मगर स्वभाव में पूरी उतार लीजिए, तो आपको लगेगा वो जो कई लोगों ने कहा ना कि ईश्वर अंदर ही है, वो अंदर तभी है, उसको जागृत करना पड़ता है, उससे कहना पड़ता, मनवाना पड़ता कि मैं तेरे हुक्मों पे चल रहा हूं, तो फिर उसका प्रकट होना मुश्किल नहीं है। हम 24 घंटे भी उसकी रजा में रहते हैं, एहसास में रहते हैं, रजा में तो सारी दुनिया है मगर सारी दुनिया को एहसास नहीं रहता, मगर जो लोग उसकी वाणी को, उसके हुक्मों को अपने स्वभाव में उतार लेते हैं, अपनी फीलिंग्स बना लेते हैं, परमेश्वर उनको हमेशा परमेश्वर का एहसास बना रहता है, और एक समय आता है कि वो उससे बात भी कर पाते हैं, भारद्वाज की तरह उससे बात भी कर पाते हैं, और आप भी कर सकते हैं, भले वो उधर से जवाब ना आए, जब हम उसकी रजा में हैं तो क्यों नहीं कह सकते, वो जब सुने, वो जब जवाब दे, और मैं करता हूं, मुझे आदत रही है, मैं परमेश्वर के पास जब बैठता हूं तो उससे बात करता हूं, अच्छी बातें भी अपनी, बुरी भी, क्योंकि अच्छी बातें तो मैं बहुत सबके आगे कर सकता हूं, बुरी किसके आगे करूंगा, अपनी कमियां कहां कहूंगा, वो कमियां वही परमेश्वर के आगे कि खा खोटे इस मन में धरो ज्ञान का बेर, काटो हे परमेश्वर बंदरों के कंटे, वो कमी है तो मैं वही जाके कहूंगा, घुटने टेक के, सिर झुका के कहूंगा, स्वीकार करूंगा कि मेरे अंदर ये कमी है, तो उससे दोनों बातें कहो, अपनी समस्या भी कहो, अपनी कमी भी कहो, फिर पाओगे उसे अपने करीब, और तब पाओगे अपने करीब जो मैंने पहले कहा, जब उसकी संगत को उसका रूप मानोगे, पूरी कायनात को उसका रूप मानोगे, तब उसे अपने करीब पाओगे। मगर हम लोग प्रगट दिवस एक ही दिन क्यों मनाते, मैंने कहा अभी कि परमेश्वर तो असंख्य बार प्रकट हुए, पता ही नहीं वो कितनी बार कहां प्रकट हुए, इसका कोई हिसाब नहीं, मगर हम उस परमेश्वर का प्रकट होना सिर्फ एक बार ही क्यों मनाते, वो इसलिए मनाते हैं कि हमें संसार के बाकी काम भी करने, जीवन परमेश्वर ने हमें सौंपा है कि जीवन आपने चलाना है। वाल्मीकि शब्द में ल आधा इसीलिए आता है कि आधे लोक परलोक की रचना उसने की है, आधी हम करते हैं, लकड़ी का टेबल चेयर अपना बेड हम बनाते हैं, दरवाजा बनाते हैं लकड़ी का, लोहा निकाल के तलवार भी बनाते हैं, और छत डालने के लिए सरिया भी बनाते, आधे लोक पर लोक की रचना उसने की, आधे की हमने की। तो जीवन जब हमारे हाथ में है तो वो जीवन इसलिए नहीं है कि हम सब कुछ छोड़कर केवल परमेश्वर का नाम जपना शुरू करें तो सोचें कि परमेश्वर खुश होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा।
जो बच्चे बड़े होके घर बैठे रहते हैं, चाहे दादी के कितने पांव दबाएं, पिता की कितनी कमर दबाएं, मगर वो दादी पिता दादा माँ खुश नहीं है। वो खुश उसपे हैं जो अपने पांव पे खड़ा होके काम में लगता है। तो परमेश्वर ही आपको ये नहीं कहते कि 24 घंटे मेरा नाम लो, 24 घंटे उसको याद रखो, उसको याद रखना जरूरी है। जैसे हम नित्रे में पढ़ते हैं कि मधु का अर्थ सुरा है, सुरा नाम की दो, नाम नशा निश दिन रहे, काज जगत भी हो। इसी श्लोक को लोगों ने दूसरी तरह से भी कहा है, इसी श्लोक को, कि परमेश्वर के नाम का नशा, वो करे झूठे नशे जहान दे, झूठे 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 नशे जहान दे, उत्तर जान प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि नाम की खुमारी, उसके ईश्वर के नाम की, कि मैं बैठूं तो मुंह से निकले आधे वाल्मीकि नमो नमः, मैं उठूं तो निकले, मगर काम अपने करता रहूं जो जग के काम है, जो जीवन के काम है, जो परिवार और समाज के काम है, उनको करता रहूं, उसको छोड़ना नहीं है। तो इसलिए एक दिन चुना हमने प्रगट दिवस का, नहीं तो परमात्मा के दिन खोजने शुरू करेंगे तो द्रौपदी को किसी अलग दिन दिखाई दिए, मां शबरी को किसी अलग दिन, भारद्वाज को अलग दिन, महामुनि शुक्राचार्य को अलग दिन, महाराजा बलि को अलग दिन और मां सीता को अलग दिन। ये सारे अलग अलग दिन गिनेंगे तो जो 365 दिन जो है साल के, वो भी कम पड़ जाएंगे। परमेश्वर का प्रकट होना इतनी बार, इसलिए कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, मगर काज जगत भी हो, जगत के काम भी चलें, वो बंद नहीं करनी। इसलिए हमने एक दिन चुना कि सारे हम इकट्ठे होकर मना लें, मगर अब उस एक दिन में भी थोड़ी सी दुश्वारी है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम जब प्रगट दिवस मनाएं तो पंजाब के कुछ लोग मुंबई आ जाएं, मुंबई के कुछ लोग पूना चले जाएं, पूना के कुछ लोग कलकत्ता आ जाएं, कलकत्ता के कुछ लोग जम्मू आ जाएं, जम्मू के कुछ लोग लखनऊ आ जाएं। कुछ लोगों की ऐसी खुशी भी होती है, तो फिर हम एक महीना पहले शुरू हो जाते हैं पावन प्रगट दिवस, और एक महीना बाद तक अपने समागमों को अलग अलग डेट में, ताकि उसको दुरुस्त तरीके से निभाया जा सके। जैसे कई जगह सुविधाएं नहीं होती छुट्टियों की, कई जगह हॉल नहीं मिलते, उन सब दुश्वारियों को ध्यान में रख के, मगर आस्था मजबूत होनी चाहिए, हमारी आस्था पक्की होनी चाहिए। तो हम आस्था महीना नाम रखा प्रगट दिवस का। क्या कहते हैं हम उस दिन, आस्था का श्रद्धा अर्थ है, श्रद्धा भरा मन हो। आस्था का अर्थ श्रद्धा है, मगर श्रद्धा भरा होना क्या चाहिए, श्रद्धा मन भरा होना चाहिए श्रद्धा से, अखंड विश्वास। मां सीता की तरह बीच जंगल में उतर गई कि यहां वाल्मीकि आश्रम है, न इससे आगे न इससे पीछे, मुझे यही उतरना है। पिता का घर भी उतना प्यारा नहीं है जितना मुझे उस परमेश्वर का घर प्यारा है। उतनी आस्था, उतनी श्रद्धा होनी चाहिए, अखंड विश्वास होना चाहिए, और उस मन में वाल्मीकि जी रहते सदा समूह। हम कहते प्रगट हो परमात्मा, तो जिस मन में श्रद्धा भरी है परमात्मा, तो उसके अंदर, अभी हमने कहा ना,
कि आप उस परमात्मा को खुश करो, अंदर बैठे परमात्मा को, कि उसके कहे हुए आदेशों पे, उसके हुक्मों का पालन करो, उन पे चलो, वो खुश हो जाएगा, हमें एहसास होगा उसका। फिर इसको हमने और तरीके से भी कहा, कोशिश करते हैं, बच्चों का जन्मदिन बड़ी अच्छी तरह से मनाते हैं, कई दिन तैयारियां करते हैं, तो परमेश्वर का भी जब प्रगट दिवस आए तो क्या है, दसवां माँ भी आस्था इस माँ पाठ करो, प्रगट दिन घर घर जले अखंड ज्योत की। प्रगट दिन ही नहीं, उससे कुछ दिन पहले भी, 4 दिन पहले, 7 दिन पहले, 14 दिन पहले, 24 दिन पहले, जितनी आप कर सकते हो मर्यादा बना के रख सकते हो। ज्योत तो जला के रख सकता है हर कोई आदमी, मगर उतने दिन मर्यादा बना के रखना भी जरूरी है। कोई मीट अंडा ना खाए, कोई नशा करके उस घर में ना आए, तब अखंड ज्योत स्थापित करनी है। तो उस परमेश्वर की नेमते सब पे रही हैं, वृंदावन तुलसी बनी पाकर के रब को पूज रही है, तुलसी करे रोग बुक सबको। जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम, वो मां वृंदा जिसके दामन को कलंकित करने के लिए गया था विष्णु, विष्णु कलंकित करने गया था, अपवित्र करने गया था, मगर परमेश्वर ने उस मां वृंदा को, उसके विश्वास को, उसकी आस्था को क्या आशीर्वाद दिया, कि वो जहां मां वृंदा ने प्राण त्यागे वहां पे पौधा लगा जिसको लोग तुलसी का पौधा कहते हैं। और आज आज सुबह पहला दर्शन उसका करते हैं और सुबह पहली वंदना उसकी की जाती है जिसको कलंकित करने की कोशिश की। तो इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर का प्रकट होना जरूरी नहीं है, उसकी कृपा होनी जरूरी है, और उसकी कृपा के लिए उसकी बातों को मानना जरूरी है। प्रेम प्यार की नेमते सबको बांटे जो, सृष्टि कर्ता नाथ के चरण पियो धो। कहां है ये मिसाल, प्रेम प्यार की नेमते सबको बांटे जो, मिसाल कहां है, ये जब विष्णु क्रौंच को मार, वहां परमेश्वर कहते हैं कि प्रेम करना पाप नहीं है, प्रेम को भंग करना पाप है। उन्होंने उस क्रौंच पक्षी को भी इंसाफ दिया और विष्णु को कहा कि तुम्हें अपना पूरा जीवन इसी जुदाई में, जैसी जुदाई आज क्रौंच झेल रहे हैं, तुम्हें भी अपना जीवन इस जुदाई की पीड़ा में से निकालना। और हुआ, जब वो विष्णु राम बन के आया, सीता उससे अलग हुई, तो राम पागलों की तरह, पागल होता ना, पेड़ों से कौन पूछता है, पर्वतों से कौन बात करता है, राम पेड़ों पर्वतों नदियों नालों से पूछते सीता कहां है। वो दुख की एक अवस्था है, दुख की वो पराकाष्ठा है, सच में हमारी चाबी खो जाए तो हम अशांत हो जाते हैं, अपना संतुलन खो देते हैं, साथी खो जाए तो कितना बड़ा दुख होगा। मगर क्रौंच के रूप में नहीं लगता था कि छोटी बात है, तो परमेश्वर ने एहसास कराया। एक बात फिर अपनी बात खत्म करता हूं, आपको मुबारकबाद देते हुए भी, और एक छोटी सी लाइन जिस पे बाद में बोलूंगा, कहूंगा कुछ दिन बाद, क्योंकि प्रगट दिवस चल रहा तो मैं ऐसी किसी बात में नहीं जाना नहीं चाहता। विरोध से ना डरो, बिल्कुल ना डरो। विरोध करने वाले भी सारे विरोधी नहीं होते, विरोध करने वाले जिज्ञासु भी हो सकते हैं, विरोध करने वाले भटके हुए भी हो सकते हैं, उनको राह पे कौन लाएगा, आप लाओगे। इस पे बात करूंगा, उनसे घबराइए नहीं, विरोध से कभी मत घबराइए। विरोध का मतलब होता है
कि उन्होंने आपकी एग्जिस्टेंस को, आपके अस्तित्व को, आपके वजूद को मान लिया है और अब आपका वजूद उन्हें डराता है, इसलिए वो आपका विरोध करते हैं। यानी जो आपके वजूद से, आपके कद से, आपकी हैसियत से डरते हैं वो आपका विरोध करते हैं। इसलिए इतनी बात कहूंगा, बाकी इस पे बाद में बात करूंगा। वाल्मीकि प्रगट उत्सव जो 20 आस्था को 20 अक्टूबर को आ रहा है, मगर मनाया जा रहा कई दिन से और आगे भी कई दिन मनाया जाएगा। शोभा यात्राएं भी होंगी, उसमें योगामृत भी होंगे, सेमिनार भी होंगे और ये इसमें आप सब परम आनंद को प्राप्त करें, इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ आप सबके बीच में विराजमान उस आदि अनादि परमात्मा को सादर नमन। जय वाल्मीकि।